करंटली सीयूटी यूजी 24 के एप्लीकेशन फॉर्म रनिंग मोड में। इसके बाद से काफी सारे बच्चों क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर करेक्शन विंडो कब ओपन होगी। आई नो कि आप लोगों ने बहुत सारा मिस्टेक किया हुआ है, सो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर पूरा सोल्यूशन देने वाले हैं कि आपके कौन कौन से मिस्टेक को हम लोग करेक्शन विंडो में चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा दो नए टेस्ट पेपर एड हुए, इन सारे टॉपिक पे आज की वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं। आई नो आप लोग बहुत ही अच्छे हो गए, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्री अपडेट्स एंड द सर्च प्रभात। बच्चों देखो, काफी दिनों से क्वेश्चन आ रहा है कि सर करेक्शन विंडो में हम लोग क्या क्या एडिट करेंगे। तो करेक्शन विंडो की बात करने से पहले आपको बता दूं कि एक ऑफिशियल नोटिस है सीयूटी की तरफ से। आप लोग को पता होगा कि आप लोग जैसे कि फॉर्म ऐड कर रहे हो, तो फॉर्म में आप लोगों को इस बार से करेक्शन विंडो में दो नए टेस्ट पेपर ऐड करने का मौका मिलेगा। जो बच्चे वैल्यूएटेड कोर्स में फैशन डिजाइनिंग या फिर टूरिज्म में अपना करियर डेवलप करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पे दो नए कोर्स ऐड किए गए हैं। इसकी एक ऑफिशियल नोटिस भी सीयूटी की वेबसाइट पे कल की डेट में आई थी, एडिशन ऑफ टेस्ट पेपर इन सीयूटी। तो ये हमारा ये हो गया फर्स्ट एंड स्टडीज और टूरिज्म का, छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी हमने आपको बता दिया। जिन बच्चों को इसमें इंटरेस्ट हो वो इसका एग्जामिनेशन दे सकते हैं। बाकी मेन चीज हमारा करेक्शन विंडो। तो देखो यार, इस साल का पहली बात की जो एग्जामिनेशन है वो आपका पेन पेपर मोड में भी कराया जाएगा। जिस भी सब्जेक्ट में मोर देन 1 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, जैसे कि हर एक सब्जेक्ट का आपने टेस्ट देना है और जिस भी सब्जेक्ट में 1 लाख से ज्यादा बच्चे एग्जामिनेशन दे रहे हैं, उस सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन हाइब्रिड मोड में यानी कि पेन पेपर में ओएमआर सीट पर कराई जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा कि 15 मई से लेकर 31 मई के बीच में आपको एग्जामिनेशन होने हैं, जो कि एनटीए कराएगी। एग्जामिनेशन इंडिया के तमाम स्टेट्स सिटीज में कराए जाएंगे। 27 फरवरी से स्टार्ट होकर 26 मार्च तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया जाएगा। बाद में आपकी डेट एक्सटेंड की जाएगी। एक बात और है कि बहुत सारे बच्चे अभी तक जो फॉर्म फिलअप नहीं किए, मैं सीरियसली बता रहा हूँ कि फॉर्म फिलअप कर लो। बाद की बात देखी जाएगी करेक्शन विंडो के टाइम पे कि डेट एक्सटेंड होगी नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं ना फॉर्म फिलअप करना भूल जाते हैं। उनका क्या होता है कि हम लास्ट डेट को फिल करेंगे और एक्चुअल में होता है क्या है कि लास्ट डेट को सर्वर डाउन हो जाते हैं, फॉर्म सेव नहीं होते, ऐसे करके बहुत सारे मिस्टेक होती है। तो आई स्ट्रिक्टली एडवाइस टू यू ऑल एस्पिरेंट कि आप लोग बिना देर किए अपने एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट फिलअप कर लो। चलो मान लो आज फिल नहीं हो पा रहा तो कल कर लेना, ठीक है, लेकिन कैसे भी करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करो। बाकी अगर नहीं कर पाते हो तो बाद में आपको मौका मिलेगा, डेट एक्सटेंड होगी। उसके पहले आपको करेक्शन विंडो का बता दूं कि करेक्शन विंडो में क्या क्या चीजें आप एडिट कर पाओगे। दूसरी चीज कि बहुत सारे सब्जेक्ट अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो मे बी ऐसा चांस हो सकता है कि आपके सारे सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन एक ही डेट में हो जाए। ऐसा तो होता हुआ नहीं अभी तक, ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट 6 सब्जेक्ट अटेम्प्ट कर सकते। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर आप भी सीयूटी की सीट आईसीआर 24 की प्रिपरेशन कर रहे हो और चाहते हो श्योर सिलेक्शन, हर साल की तरह रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन का क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया गया हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, स्पेशली एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए। कंप्लीट कोचिंग फैसिलिटीज आपकी ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों में है। ऑनलाइन ये कोर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दे रखा है, वहां से परचेज कर सकते हो। आपको बता दूं कि एवरी ईयर रॉयल की तरफ से आईसीआर के टॉप रैंकर्स निकल के आते हैं। इस क्रैश कोर्स में बच्चों आपको डीपीपी प्रैक्टिस सेट, एक्सरसाइज सेट सब कुछ मिलेगी। पीडीएफ फॉर्मेट में आपका डाउट सेशन होगा, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको नोट्स मिलेंगे, यानी कि एक पूरा सोल्यूशन है आपके लिए रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन। तो आप भी चाहते हो श्योर सिलेक्शन तो रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन उदयपुर को ज्वाइन कर सकते हो। आप चाहो तो जो भी बच्चे हैं उनसे पूछ सकते हो रॉयल इंस्टीट्यूट के बारे में। 11th 12th के फाउंडेशन के साथ रॉयल इंस्टीट्यूट हर साल क्रैश कोर्स के साथ लॉन्ग ईयर बैच भी लेकर आती है, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन करके अपनी सिलेक्शन ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमने सारा इंपॉर्टेंट लिंक मेंशन कर रखा है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। ये सारे हमारे रॉयल्स के टॉपर्स हैं जो कि आईसीआर के साथ साथ सीयूटी में 100% प्लस लाने वाले बच्चे, प्लस इसके अलावा जेट में हर साल टॉप रैंकर्स के बच्चे, ICR में टॉप इंस्टीट्यूट में जाने वाले बच्चे, सारे बच्चे आपको रॉयल से मिलेंगे। तो रॉयल का आपने एग्रीकल्चर में काफ़ी बड़ा नाम है और आप भी चाहते हो अगर प्रिपरेशन और श्योर सिलेक्शन तो रॉयल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दिया, आप जाकर उससे एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप इनके एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे करेक्शन विंडो में क्या क्या चीज़ें आप एडिट कर सकते हो। तो एक एक पॉइंट पर मैं बात करूंगा कि क्या क्या चीज़ें आप एडिट कर पाओगे। सबसे पहली चीज़ कि आप लोग जितने सब्जेक्ट ऐड कर रहे हो या फिर जो यूनिवर्सिटी ऐड कर रहे हो, अगर आप लोग मान लीजिए कोई सब्जेक्ट ऐड करना भूल गए या कोई यूनिवर्सिटी ऐड करना भूल गए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप ये एडिट कर लोगे, ठीक है। मान लीजिए आपको इंग्लिश चूज करना था आपने नहीं किया, मान लीजिए आपको फिजिक्स चूज करना था आपने नहीं किया, वो चीज़ आप करेक्शन विंडो में चूज कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी, मान लीजिए आपको BHU ऐड करना था नहीं किया, मान लीजिए आपको ICR ऐड करना था नहीं किया, तो वो चीज़ आप यूनिवर्सिटी को जो ऐड करने का ऑप्शन है वो आप लास्ट में करेक्शन विंडो में भी आप चाहो तो एक्स्ट्रा जो भी कॉलेज चाहते हो ऐड कर सकते हो, ठीक है। टेस्ट पेपर सब्जेक्ट सिलेक्शन आप ऐड कर सकते हो। दूसरी चीज,
क्वालिफिकेशन डिटेल में आप अपना रोल नंबर ऐड कर सकते हो, ठीक है। पर्सनल डिटेल में भी आप अपनी कुछ चीज़ें, जैसे कि मान लीजिए आपका ईमेल में थोड़ा कोई प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, या फिर आपके कैटेगरी में कोई प्रॉब्लम है, ये सब जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ना, ये आप चेंज कर सकते हो। लेकिन आपका जो पर्सनल डिटेल है उसमें नेम, पेरेंट्स, ये सब चीज़ें चेंज नहीं कर पाओ। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको फ़ोन नंबर सेम रहेगा, ठीक है, ईमेल मैंने आपका ईमेल भी सेम रहना है, क्योंकि ईमेल चेंज होता नहीं। बाकी आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट ऐड करते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी ऐड करने का प्रयास करते हैं। ये जो मेजर चीज़ है वो आप कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स में आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है कोई, तो आप उसे एडिशनल मान के बाद में भी अपलोड कर सकते हो, लेकिन वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी रहता है, ठीक है। क्वालिफिकेशन डिटेल अगर आपको दिक्कत आ गई, आपसे अगर कुछ आपने मिस्टेक कर दिया, नहीं फिल किया है, तो भी आप ऐड कर पाओगे। जैसे कि आपका जो रोल नंबर है, वो रोल नंबर मान लीजिए आपने मिस्टेक से दो तीन या कुछ और, जैसे आप परसेंटेज में कुछ और फिल कर दिया, तो ये जो छोटी मोटी चीजें एडिट कर लोगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा सेक्शन है वो है यूनिवर्सिटी ऐड करने का, सबसे इंपॉर्टेंट है। आप यूनिवर्सिटी जरूर ऐड कीजिएगा। अगर आपसे कोई यूनिवर्सिटी ऐड नहीं हो पाई है तो आप उसे ऑन टाइम करेक्शन विंडो जरूर अपने फॉर्म में ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं आईसीआर को ऐड नहीं कर पाए, तो अपने एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन विंडो खुलते ही ऐड कर लेंगे, क्योंकि दोबारा उन्हें मौका नहीं मिलेगा। बाकी आई स्ट्रिक्टली टू एडवाइज कि आप लोग पहले फॉर्म फिलअप करो, जो बच्चे फिल नहीं किए हैं। करेक्शन विंडो जब भी ओपन होगा आपको बता दिया जाएगा। आफ्टर 27th दो दिन के लिए करेक्शन विंडो ओपन होती है, उस दो दिन में आपको जो भी करने होते हैं आपको करने हैं। लेकिन अभी तक की जो इंपॉर्टेंट अपडेट है ये कि अभी आपको बच्चों कुछ भी नहीं करना है, अभी केवल फॉर्म फिलअप करके वेट करना है। मेक श्योर आप अगर हमारे वीडियो देख के फॉर्म फिलअप किया होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी अगर कोई दिक्कत हो गई है, ठीक है, तो 27 तक के बाद आपका करेक्शन विंडो ओपन होगा। आप उस करेक्शन विंडो में अपना जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स है उसको एडिट करके सेव कर सकते हो। आप सभी को आपके एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपका एग्जामिनेशन इस साल हाइब्रिड मोड में भी कराया जाएगा। जैसे इतने सारे जो सब्जेक्ट कंप्लीट लिस्ट मेंशन है सब्जेक्ट की, इसमें जिस भी सब्जेक्ट में 1 लाख से ज़्यादा बच्चे एग्जामिनेशन देने वाले हैं, उन सारे सब्जेक्ट का इस साल एग्जामिनेशन आप सभी का पेन पेपर मोड में, यानी कि आप सभी का एग्जामिनेशन ऑफलाइन कराया जाएगा, ठीक है। आपको OMR सीट मिलेगी, सेंटर भी आपके नियर अबाउट सिटीज ही होंगे, ताकि आपको एक ही दिन में सारे एग्जामिनेशन कराया जाए और आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे किसी बच्चे ने अभी तक केवल 3 सब्जेक्ट ऐड किया है और वो चाहता है कि वो लैंग्वेज या जनरल टेस्ट भी ऐड करे दूसरे कॉलेज के लिए, BA भी करना चाहता है प्लस BSc का फॉर्म भरना चाहता है, तो अगर आपने अभी केवल BA का फॉर्म अप्लाई किया तो BSc के लिए आप ऑन टाइम करेक्शन विंडो अपने फॉर्म को एडिट करके सेव कर सकते हो। छोटा सा अपडेट था, बाकी अभी ऑफिशियली करेक्शन विंडो ओपन नहीं हुई है, जैसी ओपन होगी आपको बता दिया जाएगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच आपको वीडियो देखने के लिए। अगर किसी बच्चे कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट कीजिएगा। बाकी मिलता हूँ आप सभी से नए वीडियो में नए अपडेट के साथ।